यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला है, जहां दो कैंटर की आपस में टक्कर होने से दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे सुरीर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास एक कैंटर खड़ा हुआ था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार दूसरे कैंटर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पता चला है कि घायल व्यक्ति सेना में तैनात है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा वो आगे वाली गाड़ी स्टार्ट करी थी, पीछे वाली ने उसको ठोकर कर दी, जैसे हम आए। अच्छा, ये पता नहीं चला कैसे हुआ। कितने लोगों की मौत हो चुकी है इसमें? दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल है। अच्छा, आगे वाली गाड़ी का भी कोई व्यक्ति खत्म? आगे वाली का एक ड्राइवर है और पीछे वाली का एक ड्राइवर, दोनों एक्सपायर हो गए। दोनों एक्सपायर हो गए। अब क्या किया जा रहा है यहाँ पर? अभी डेड बॉडी को भेजा जा रहा है, उसको हमने पहले ही भेज दिया। पता लगवाया कहाँ के ये लोग? हाँ, एड्रेस का पता चला, उसमें ये थापा नाम है उनका, ये पता नहीं नेपाल के कहाँ के। ये पता, ये इसमें आर्मी का सामान जा रहा था पीछे वाली गाड़ी में, ये नहीं पता सामान किसका है, कुछ पता नहीं लग पाया। सामान हमने चेक नहीं किया, हमने घायलों को ड्राइवर को भेजा। अच्छा, घायलों की क्या स्थिति है? जो एक व्यक्ति घायल है कितनी? उसके पैर में चोट लगी है, वो ठीक है, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन बाकी दो ड्राइवर, दोनों ड्राइवर खत्म हो गए, दोनों गाड़ी में। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी है। मथुरा से न्यूज के लिए ओपी वरुण की रिपोर्ट।